हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग करने जा रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के क्वेश्चन। और इस चैप्टर से एग्जाम में, नीट के एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर आता है, इसलिए ध्यान से करिएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर के क्वेश्चन हम लोग पहले ही कर चुके हैं, आप लोग प्रीवियस वीडियोज जाके देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द मेथड ऑफ डायरेक्टली इंजेक्टिंग ए स्पर्म इन टू ओबम इन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड। वो मेथड जिसमें डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं हम लोग स्पर्म को ओवम के अंदर, वो मेथड क्या कहलाता है? तो वो मेथड कहलाता है ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। पहला पढ़ लेते हैं, गिफ्ट। गिफ्ट का मतलब होता है गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। दूसरा ऑप्शन है जिफ्ट। जिफ्ट का मतलब होता है जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। इसमें जो है जायगोट को फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं, गिफ्ट में गैमेट को जो है फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर करते हैं। और लास्ट ऑप्शन है एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो सी वाला ऑप्शन है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें मान लेते हैं ये जो है एग है, और इस एग के साइटोप्लाज्म में जो है स्पर्म का इंजेक्शन लगा देते हैं। इस एग के साइटोप्लाज्म में स्पर्म का इंजेक्शन लगा देते हैं, इसको बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। और यही ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द इंक्रीज्ड IMR एंड डिक्रीज्ड MMR इन ए पॉपुलेशन बिल। अगर जो है IMR अगर बढ़ जाए और MMR घट जाए। अब IMR और MMR क्या होता है देख लेते हैं। IMR का मतलब होता है इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट, इन्फेंट के मरने की दर, इन्फेंट जो नया पैदा हुआ बच्चा है। और MMR का मतलब होता है मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट, यानी कि जो मदर है जिसने बच्चे को जन्म दिया है उसके मरने की रेट। अगर जो है IMR इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए, इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट बढ़ जाए, और जो है जो मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट है ये घट जाए, तो एक चीज़ बढ़ रही है एक चीज़ घट रही है, दोनों एक दूसरे को इक्वल कर दे रहे हैं, बराबर कर दे रहे हैं। ऐसे केस में जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है, ग्रोथ रेट है, वो ना घटेगी ना बढ़ेगी। तो फिर इसका आंसर जाएगा सी वाला, नॉट काज सिग्निफिकेंट चेंज इन ग्रोथ रेट। इसकी वजह से जो है पॉपुलेशन में जो है कोई महत्वपूर्ण चेंज नहीं होगा ग्रोथ रेट में। अगर दोनों की बढ़ जाती मॉर्टिलिटी रेट तो पॉपुलेशन क्या होता, घट जाती। अगर दोनों की मॉर्टिलिटी रेट घट जाती तो ऐसे केस में पॉपुलेशन बढ़ जाती। तो आंसर इसका क्या जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर करते हैं थर्ड, द इंटेंशनली लैक्टेटिंग मदर डू नॉट जनरली कंसीव ड्यू टू। अगर जो है इंटेंशन के साथ, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार अगर जो है मदर जो है बच्चे को मिल्क दूध पिला रही है, तो ऐसे केस में उसमें जो है उसके कंसीव होने के चांस घट जाते हैं, या उसमें कंसीव नहीं होती वो, यानी कि जो है वो प्रेग्नेंट नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो है जब कंटिन्यूअस जो है, आपने सुन रखा होगा लैक्टेशनल एमिनेरिया के बारे में, यानी कि बच्चे के जन्म के 6 महीने तक माँ अगर बच्चे को जो है दूध पिलाती है, तो 6 महीने तक जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती। ऐसे केस में उसके प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होते, उसके कंसीव होने के चांस नहीं होते। लेकिन वो 6 महीने के बाद और भी अधिक समय तक बच्चे को दूध पिलाती है जानबूझ के, तो ऐसे केस में और अधिक जो है उसके प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं रहते हैं, क्योंकि ऐसे केस में उसके अंदर जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं बढ़ती है, स्टार्ट नहीं होती मेंस्ट्रुएशन साइकिल। स्टार्ट इसलिए नहीं होती क्योंकि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए जो हार्मोन्स हैं स्पेशली गोनाडोट्रोफिन, उनका जो है रिलीज जो है सप्रेस हो जाता है। गोनाडोट्रोफिन का मतलब आप लोग जानते होंगे, गोनाडोट्रोफिन का मतलब होता है LHNFSH हार्मोन। तो गोनाडोट्रोफिन्स यानी कि LH हार्मोन और FSH हार्मोन, इनका जो सिक्रीशन है वो नहीं होता, या इनका सिक्रीशन जो है सप्रेस हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो है जब बच्चा मिल्क सक करता है, तो निप्पल्स के पास जो नर्व सेल्स होती हैं, वो नर्व सेल जो है हमारे जो फीमेल्स हैं उनकी पिट्यूटरी ग्लैंड में पहुँचती हैं, या सेंसेशन लेके जाती हैं नर्वस सिस्टम के थ्रू पिट्यूटरी ग्लैंड में। और पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है गोनाट्रोपिन्स का सिक्रीशन डिक्रीज हो जाता है या सप्रेस हो जाता है। जब गोनाट्रोपिन्स का सिक्रीशन घट जाएगा, LHFS का सिक्रीशन घट जाएगा, तो ऐसे केस में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है दोबारा रेगुलर स्टार्ट नहीं होगी। तो आंसर इसका चला जाएगा ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, स्टरलाइजेशन टेक्निक आर जनरली फुल प्रूफ मैथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन विद लीस्ट साइड इफेक्ट एट दिस इज लास्ट ऑप्शन फॉर द कपल बिकाज। तो बताया गया है स्टरलाइजेशन जो टेक्निक है ये फुल प्रूफ मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन, यानी कि गर्भ निरोधन का, या गर्भ को रोकने का, यानी कि प्रेगनेंसी
प्रेगनेंसी ना हो, प्रेगनेंसी को रोकने का या प्रेगनेंसी ना हो उसके लिए इसके साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं और ये लास्ट ऑप्शन है कपल के लिए, क्योंकि तो इसके बारे में बताना है स्टरलाइजेशन के बारे में क्या क्या फ़ायदे हैं। तो पहला ऑप्शन है इट इज़ ऑलमोस्ट इररिवर्सिबल। तो सबको पता है कि जो है स्टरलाइजेशन टेक्निक जैसे बैस्केटॉमी या ट्यूबेक्टॉमी जो है इसमें क्या होता है, ये जो है लगभग जो है इसके कोई भी जो है ये रिवर्सिबल बहुत कम होता है, बहुत ही कम इसके रिवर्सिबिलिटी के चांस होते हैं, तो रिवर्सिबल बहुत कम हो गया ये। दूसरा ऑप्शन है ऑफ द मिसकॉन्सेप्शन दैट इट विल रिड्यूस सेक्सुअल अर्ज। और जो है एक बात और है इसके बारे में जो है मिसकॉन्सेप्शन है, गलत धारणा बनी हुई है कि ये सेक्सुअल अर्ज को जो है रिड्यूस करता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो वो भी यहाँ लिखा हुआ है मिसकॉन्सेप्शन, मतलब गलत धारणा बनी हुई है लोगों की, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। तीसरा ऑप्शन है इट इज़ अ सर्जिकल प्रोसीजर। हाँ तो ये भी ऑप्शन सही है, इसमें जो है बैसेक्टॉमी अगर मेल में करते हैं तो बैसेक्टॉमी करते हैं, इसमें जो है वास डिफरेंस को कट करके बांध देते हैं, और फीमेल में करते हैं तो ट्यूबेक्टॉमी करते हैं, उसमें फेलोपियन ट्यूब को काट करके बांध देते हैं, तो सर्जिकल प्रोसेस है। तो पहला ऑप्शन भी सही है स्टरलाइजेशन के लिए, दूसरा भी सही है, तीसरा ऑप्शन भी सही है, चौथा ऑप्शन ऑफ लैक ऑफ सफिशियंट फैसिलिटीज इन मैनी पार्ट ऑफ कंट्री। तो इसके लिए जो है बहुत इसके लिए जो है पर्याप्त मात्रा में फैसिलिटीज़ नहीं है इंडिया के बहुत सारे पार्ट में, हमारी कंट्री के बहुत सारे पार्ट में, तो ये चारों ऑप्शन जो है स्टरलाइजेशन टेक्निक के लिए सही हैं जो कि समाज में बनी हुई हैं। तो चौथे ऑप्शन की चला जाएगा, चौथा ऑप्शन में चारों सही है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ चारों सही है, तो फिर चारों ऑप्शन जा रहा है किसमें, डी में। क्वेश्चन नंबर करते हैं 5। ए नेशनल लेवल अप्रोच टू बिल्डअप ए रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी वाज टेकन इन आवर कंट्री। तो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी के लिए हमारी कंट्री में जो स्टेप लिया गया था वो स्टेप लिया गया था 1950 में, 1950 में। तो देखिए आपके एनसीईआरटी में 1951 में दे रखा है फैमिली प्लानिंग स्टार्ट हुई थी, तो यहाँ पे 1951 जैसा कुछ दे नहीं रखा है, 1950 में जो है स्टेप स्टार्ट किए गए थे, 1951 में जो है फैमिली प्लानिंग स्टार्ट हुई थी हमारी इंडिया में, तो 1950 ऑप्शन में टिक हो जाएगा। बाकी इसके अलावा जो है 1960 के बारे में जानते होंगे आप लोग, मिड 1960 में जो है हमारे यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव आर इफेक्टिव इफ यूज्ड विद इन। तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जैसे कि आप सुनते होंगे, सुना होगा आपने अनवांटेड 72 वगैरह, तो ये 72 नाम में आ रहा है तो समझ में आ रहा होगा कि 72 आवर्स ऑफ क्वाइटस, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, सेक्सुअल क्वाइटस के, सेक्सुअल कोहेबिटेशन के 72 घंटे के अंदर जो है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ली जाती हैं, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव यानी कि गर्भ निरोधक गोलियां ली जाती हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। चूज द राइट वन अमंग द स्टेटमेंट गिवन बिलो। तो जो स्टेटमेंट दे रखे हैं इसमें से राइट स्टेटमेंट हमको चूज करना है। तो पहला ऑप्शन है IUDs आर जनरली इंसर्टेड बाई द यूजर हरसेल्फ। तो इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस जो है जनरली जो है एक यूजर अपने आप इंसर्ट कर सकती है, तो ये ऑप्शन जो है आपका गलत है। गलत इसलिए है कि जो है यूजर जो है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस जो है अपने आप नहीं इंटर करती, एक जो है प्रैक्टिशनर मेडिकल डॉक्टर या नर्स वगैरह इंसर्ट करती हैं। दूसरा ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है IUD इंक्रीज फाइगोसाइटोसिस रिएक्शन इन द यूट्रस। तो इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस जो है वास्तव में जैसे कापल टी वगैरह हो गया, ये फाइगोसाइटोसिस करते हैं, स्पर्म को जो है ख़त्म कर देते हैं यूट्रस के अंदर। तो ये ऑप्शन तो बी वाला क्या हो गया, बी वाला ऑप्शन सही हो गया, बी ऑप्शन तो सही है। सी ऑप्शन इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस सप्रेस गैमेटोजेनेसिस। तो इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस जो है गैमेट के फॉर्मेशन पे कोई असर नहीं डालती, यहाँ लिखा हुआ है सप्रेस करती हैं गैमेटोजेनेसिस को, तो गलत दे रखा है ये। डी ऑप्शन के बारे में बात करें इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस वंस इंसर्टेड नीड नॉट टू बी रिप्लेस्ड। तो डी ऑप्शन भी गलत दे रखा है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस को एक निश्चित समय के बाद जो है रिप्लेस किया जाता है, तो आंसर इसका एक दे रखा है बी वाला, तो बी ऑप्शन सही हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं फॉलोइंग स्टेटमेंट आर गिवन रिगार्डिंग MTP, चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको गर्भपात, तो गर्भपात करवाना या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में बात की गई है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है MTPs आर जनरली एडवाइज ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सही बात है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पहले तिमाही में MTP करवाना सेफ रहता है, तो इसमें एडवाइज किया जाता है अगर जो है गर्भपात करवाना तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर सही है।
दूसरा है एमटीपी आर यूज्ड एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, तो एमटीपी एक कॉन्ट्रासेप्टिव यानी कि गर्भ निरोधक मेथड नहीं है, तो ये गलत दे रखा है, तो इसका ऑप्शन तो बी गलत है। तीसरा एमटीपी आर ऑलवेज सर्जिकल, एमटीपी हमेशा जो है सर्जरी के द्वारा नहीं होती, इसमें कुछ मेडिसिंस को दे के भी एमटीपी करवाई जा सकती है, तो फिर जो है दूसरा ऑप्शन गलत है, तीसरा भी ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि जो है यहाँ पे लिखा हुआ है एमटीपी आर ऑलवेज सर्जिकल, जबकि ऑलवेज सर्जिकल नहीं होती, जबकि कुछ मेडिसिन की हेल्प से भी एमटीपी करवाई जा सकती है, सर्जरी करना जरूरी नहीं है, तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन गलत है। चौथा एमटीपी रिक्वायर द असिस्टेंस ऑफ क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल लिखा होना चाहिए या मेडिकल पर्सनल होना चाहिए, तो एमटीपी की में आवश्यकता पड़ती है एक क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल की, एक क्वालिफाइड डॉक्टर की, तो इसका मतलब जो है चौथा ऑप्शन भी सही है, क्वालिफाइड डॉक्टर चाहिए उसके लिए, तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन गलत है, पहला और चौथा ऑप्शन सही है, और पहला चौथा ऑप्शन दे रखा है आपका किस में, सी वाले में, तो आंसर क्या चला जाएगा इसका, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फ्रॉम द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज मेंशन बिलो आइडेंटिफाई द वन विच डज नॉट स्पेसिफिकली अफेक्ट द सेक्स ऑर्गन, तो ये बीमारियां दे रखी हैं कुछ, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज दे रखी हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को हम लोग जो है वेनेरियल डिजीज भी कहते हैं, और ये वेनेरियल डिजीज या एसटीडीज बोलते हैं शॉर्ट में, तो ये एसटीडीज या वेनेरियल डिजीज जो है ये जो है अफेक्ट नहीं करते सेक्स ऑर्गन को, कौन कौन सी अफेक्ट नहीं करती, तो पहला है सिफिलिस, बात करें हम सिफिलिस की, तो सिफिलिस जो है होता है फैलता है ये ट्रिपेनीमा पैलिडम से, तो ट्रिपेनीमा पैलिडम याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आ चुका है कई बार, तो ट्रिपेनीमा पैलिडम से होता है सिफिलिस, और इसमें जो है सेक्स ऑर्गन अफेक्टेड होते हैं। दूसरा ऑप्शन है एड्स, बात करें हम एड्स की, तो एड्स एचआईवी वायरस से फैलता है, और ये हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को वीक करता है, इस ये जो है हमारी बॉडी के सेक्स ऑर्गन पे असर नहीं डालता, तो इसलिए बी ऑप्शन जो है स्पेसिफिक अफेक्ट नहीं डालता सेक्स ऑर्गन पे, तो बी ऑप्शन तो सही हो गया क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन हिसाब से बी ऑप्शन सही हो गया। सी ऑप्शन पढ़ लेते हैं, गोनोरिया, गोनोरिया जो है एक बैक्टीरिया से होता है, और उस बैक्टीरिया का नाम होता है नेसेरिया गोनोरियाई, तो याद रखिएगा नाम में नेसेरिया आएगा टर्म, तो नेसेरिया गोनोराई टर्म याद रखिएगा, NEISS से है, तो नेसेरिया गोनोराई से नेसेरिया टर्म एग्जाम में आएगा, नेसेरिया से जो है गोनोरिया नाम की बीमारी होती है, और इसमें भी सेक्स ऑर्गन अफेक्टेड होते हैं। और आखिरी ऑप्शन है जेनाइटल वार्ट्स, जेनाइटल वार्ट्स जो बीमारी है ये जो है फैलता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से, HPV वायरस से फैलता है, याद रखिएगा, तो HPV वायरस से फैलता है जेनाइटल वार्ट्स, मस्से वगैरह पड़ जाते हैं जेनाइटल ऑर्गन्स में, तो ये ऑप्शन हो गया डी वाला। तो ये सारे ऑप्शंस में, सारे ऑप्शन जितने सिफिलिस गोनोरिया जेनिटल वार्ट्स, ये सेक्स ऑर्गन पे अफेक्ट असर डालते हैं एड्स को छोड़ के, एड्स हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एड्स, कंडोम्स आर द मोस्ट पॉपुलर कॉन्ट्रासेप्टिव बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स, तो ये जो है सबसे अधिक पॉपुलर कॉन्ट्रासेप्टिव है किस रीजन की वजह से, पहला ऑप्शन है दीज आर इफेक्टिव बैरियर फॉर इंसेमाइनेशन, तो सही ऑप्शन है, इंसेमाइनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्पर्म का ट्रांसफर होने से रोक देता है ये कंडोम्स, क्योंकि जो है ये बैरियर की तरह से वर्क करता है, तो ये ऑप्शन तो सही है। दे डू नॉट इंटरफेयर विद क्वाइटल एक्ट, ए सेक्सुअल एक्ट में इंटरफेयर नहीं करते, तो बी ऑप्शन भी सही है। सी ऑप्शन दीज हेल्प इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ STDs, इनके अलावा जो है इनके यूज से सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज के बढ़ने के चांस या उनके होने के चांस घट जाते हैं, तो सी ऑप्शन भी सही है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो गया, सारे ऑप्शन सही हो गए, डी ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर करते हैं 11, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू जिफ्ट प्रोसीजर, तो जिफ्ट का मतलब होता है जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्यूब ट्रांसफ़र, तो जाइगोट का ट्रांसफ़र फेलोपियन ट्यूब में किया जा रहा है तो फिर उसको बोलते हैं जिफ्ट, तो पहला ऑप्शन ही पढ़ लेते हैं ओवा कलेक्टेड फ्रॉम फीमेल डोनर आर ट्रांसफर टू द फेलोपियन ट्यूब, तो गलत हो गया ऑप्शन, ओवा यानी कि फीमेल एग का ट्रांसफ़र करवाया जा रहा है इसमें, जबकि ट्रांसफ़र किसका होना है जाइगोट का, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन जाइगोट इट कलेक्टेड फ्रॉम फीमेल डोनर एंड ट्रांसफर टू द फेलोपियन ट्यूब, ये ऑप्शन सही है, इसमें जाइगोट का ट्रांसफर किया जा रहा है फेलोपियन ट्यूब में, इसलिए ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया, इसलिए बी ऑप्शन हो गया सही।
सी ऑप्शन, जाइगोट इज कलेक्टेड फ्रॉम फीमेल डोनर एंड ट्रांसफर टू द यूट्रस। तो जाइगोट का ट्रांसफर यूट्रस में नहीं करते, उसका फेलोपियन ट्यूब में करते हैं, तब उसको बोलते हैं जिफ्ट, इसलिए सी ऑप्शन भी गलत हो गया, इसमें यूट्रस दे रखा है, गलत दे रखा है ये। डी ऑप्शन के बारे में बात करें तो ओवा कलेक्टेड फ्रॉम फीमेल डोनर एंड ट्रांसफर टू द यूट्रस, तो ओवा का ट्रांसफर नहीं करते, ट्रांसफर करते हैं जाइगोट का, वो भी फेलोपियन ट्यूब में, तो डी ऑप्शन भी गलत हो गया, तो आंसर गया इसका बी वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, द करेक्ट सर्जिकल प्रोसीजर एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज। कॉन्ट्रासेप्टिव यानी कि गर्भनिरोधक मेथड में सबसे अच्छा करेक्ट सर्जिकल प्रोसीजर क्या है? तो पहला है ओवरेक्टोमी। ओवरेक्टोमी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ओवरी, तो ओवरी को जो है कभी भी रिमूवल नहीं किया जाता कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के फॉर्म में, तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन है हिस्टेरेक्टोमी। हिस्टेरेक्टोमी मतलब रिमूवल ऑफ, हिस्टेरेक्टोमी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ यूटरस, तो यूट्राइन कैंसर होने के चांसेस में या किसी और प्रॉब्लम में जो है हिस्टेरेक्टोमी यानी यूट्रस को रिमूव किया जाता है, तो इसका भी यूज जो है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यानी गर्भनिरोधक मेथड के फॉर्म में नहीं किया जाता। सी है बैसेक्टोमी। बैसेक्टोमी मतलब वास डिफरेंस को कट करके बांध देना, ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, जिसको हिंदी में नसबंदी कहते हैं मेल के लिए, ये बैसेक्टोमी कहलाता है, और ये ऑप्शन सही है। बात करें हम आखिरी ऑप्शन की, कैस्ट्रेशन। कैस्ट्रेशन का मतलब होता है टेस्टिकल्स को हटा देना या टेस्टिकल्स को रिमूव कर देना, तो ये टेस्टिकल्स रिमूव नहीं की जाती, इनको हटाया नहीं जाता है, तो कैस्ट्रेशन मेथड नहीं है जो है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, तो सी ऑप्शन सही हो गया। बात करते हैं हम 13 की, डायफ्राम आर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस यूज। डायफ्राम आर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज बाय फीमेल्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर स्टेटमेंट गिवन बिलो। तो बताना है डायफ्राम के बारे में, दे आर इंट्रोड्यूस्ड इन टू द यूट्रस, गलत है, यूट्रस में इंट्रोड्यूस नहीं करते इनको, यूट्रस की ओपनिंग जहाँ पे जिसको बोलते हैं सर्विक्स रीजन, उस सर्विक्स रीजन में इसको यूज करते हैं, डायफ्राम को, सर्वाइकल कैप को और वॉल्ट्स को। तो पहला ऑप्शन तो ही तो गलत हो गया, पहले ऑप्शन गलत हो गया इसमें, फर्स्ट ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन है दे आर प्लेस टू कवर द सर्वाइकल रीजन, सही है, सर्वाइकल रीजन कवर करने के लिए यूज किए जाते हैं। दे एक्ट एज फिजिकल बैरियर फॉर स्पर्म एंट्री, स्पर्म एंट्री को रोकते हैं ये, अगर जो है सर्विक्स रीजन में लगे हुए हैं तो यूट्रस में जो है पहुंच ही नहीं पाएंगे स्पर्म, क्योंकि पहले ही डायफ्राम लगा हुआ है। और चौथा है दे एक्ट एज स्पर्मिसाइडल एजेंट, तो स्पर्म को मारने वाले एजेंट नहीं है वो, तो इंट्रावेट्राइन डिवाइसेस होते हैं ये नहीं है, तो चौथा ऑप्शन में क्या है गलत है। तो ऑप्शन इसका सही हुआ सेकेंड एंड थर्ड, और सेकेंड और थर्ड दे रखा है किसमें, सी में, तो सी ऑप्शन सही हो गया, तो सारे क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग करेंगे जो इसके अलावा जो है इन चैप्टर्स की थ्योरी जो है हमारे चैनल पर पड़ी हुई है, आप चैनल में जाकर थ्योरी देख सकते हैं इन चैप्टर्स की, और जो है नेक्स्ट चैप्टर करेंगे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मेरे ख्याल से हाँ वही करना है हम लोगों को, अब जेनेटिक्स में स्टार्ट करेंगे हम लोग। थैंक यू।